हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। आप देख सकते हैं मैं छत पे हूँ बिकॉज मैं अभी डाल रही हूँ अपने पौधे में पानी। यार बहुत सारा मम्मी जी टंगना बांध दिए इसलिए। और आप देख सकते हैं मम्मी जी गेहूँ पसा रही है। मम्मी जी और ये सब मैं डाल चुकी हूँ, बस ये बाकी है। और इधर और ये थोड़ा सा मनी प्लांट में और सब हो ही गया ऑलमोस्ट। सो एज यू कैन सी मेरा इसमें तो फ्लावर्स भी आए हुए हैं। और ये मेरा कड़ी लीफ आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है। और इधर भी एक है, मतलब दो दो इसमें पौधा लगा हुआ है। वो छोटा है, ये बड़ा हो गया। हो गया, इधर बाकी है, इधर भी चला दीजिएगा थोड़ा सा ये। और अभी कितना टाइम हो रहा होगा, टाइम कितना हो रहा होगा, कितना धूप हो गया, नहीं लग रहा 12 बज गया। हाँ सो आप देख सकते हैं अभी हो रहा है, अभी बन रहा है भुजिया आलू और परवल का। और ये प्याज भी डलाएगा। और ये मेरा हेयर मास्क, मेथी का, मेथी है इसमें और प्याज है और दही और थोड़ा सा तेल। एंड ये सब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदा है क्योंकि किचन का क्लीनिंग हो रहा है। ये सब हो चुका है, ये सब मतलब ऊपर वाला सारा हो गया है, ये भी हो गया है और इधर भी हो गया है। ये सब बस नीचे का भी बाकी है, नीचे वाला क्लीनिंग करना। अब मम्मी जी अपने काम में लगे हुए हैं। मम्मी जी, मम्मी जी कुछ नहीं बोलेंगे, जब वीडियो बंद हो जाएगा तब वो बोलेंगे। और आप देखो इसमें तेल वगैरह नहीं, मतलब सॉरी इसमें हल्दी वगैरह अभी कुछ नहीं डलाया है, अभी सब डलाना बाकी है। और अभी मैं जा रही हूँ हेयर मास्क लगाने क्योंकि फिर मेरे को नहाना भी पड़ेगा इसीलिए। सो एज यू कैन सी ये सब, आप आटा सानिए ना, आपको नहीं बोल रहा। ये सबको अरेंज करना, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। और सब खाली डब्बा है जो यहाँ पे मैं धो के रख देती हूँ, जो कभी काम पड़े तो यहाँ से निकाल जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें भी मकड़ा चला जाता है ना, ये मकड़ा इसमें भी चला जाता है छोटा छोटा। ये वाला फरी के बारे में बोल रही थी। हाँ लेकिन पता नहीं खराब हुआ, खा के देखना पड़ेगा। खराब तो ना होते है, मेरा नमक है। और ये नया बेलन ला है, पता है कि नहीं? मालूम है। और ये जीरा क्या है, है? इतना सारा जीरा, सगरो जीरा जीरा तो हल्दी की है। हाँ हल्दी है। हाँ हाँ वो हल्दी है, मतलब खोइंचा वाला जीरा है। क्या कहाँ है मेरा कपड़ा, मेरा कपड़ा कहाँ है? नहीं कम किया हुआ है इसको, ये कर रहा है।
कपड़ा कहाँ रख दिया? किधर? इसको बंद क्यों नहीं कर रहा? जूठा कपड़ा ना है क्या? नहीं, उसमें से ले के खाया है, वैसे जूठा नहीं है। क्या हो गया? इसमें चलनी है स्टील वाला, स्टील वाला चलनी है, देखिए कि नहीं नहीं करेंगे वो बात अलग है, लेकिन एक होता है कि हाँ जानता आदमी कि हाँ ये चीज ऐसे होता है, उसके बारे में निकाल करेंगे। बादाम को रखी तो इसके ऊपर, इधर नीचे रहेगा तो नीचे रह। अरे उसमें नहीं रखी, इसमें रखी है। उन्हें चला, चला दिए हैं, कम किया हुआ है, वो नहीं चलेगा। इसमें क्या है? ये 1 kg का डब्बा है। हाँ ना, हाँ आधा के जी का, पहले थोड़ा बड़ा आता था ना ये, अब थोड़ा छोटा आता है। अब धीरे धीरे क्या और भी छोटा कर देगा क्या? और धीरे धीरे गायब कर देगा क्या? 250 ग्राम से 200 ग्राम में आ गए। वो सब नाप के देता है, वो सब ये रखता है, ये वाला सेंटर वाला, उन लोग का मेजरमेंट वाला रहता है, उसको मेजर करके देता है, ऐसे नहीं देगा वो। अपन जो है गिलास है ये में, हैंड वॉश है इसमें? हाँ हाँ जी। सो आई एम गोइंग टू मेक दिस। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। ओशेट, इसके लिए आपको ये चाहिए होगा, और चाहिए होगा दूध, ठंडा दूध, और इसके लिए इसको चाहिए होगा बर्फ, ओब्वियसली आइस, जैसे ओशन सारा मेल्ट है यार। अच्छा कोई बात नहीं, और इसके लिए आपको चाहिए होगा ये मिक्सी का जार। तो मेरे पास इतना ही आइस था, आप देख सकते हैं बहुत छोटा छोटा, जो कि मेल्ट हो चुका है, और अब इसमें मैं डालूंगी ऑलमोस्ट 1 गिलास ठंडा दूध। हाँ वो आप ही के सामने तो हम फेंके हैं। क्या है? 1 गिलास दूध। आपको बोले थे ना कि खराब हो गया है, आपको याद नहीं है क्या? नहीं नहीं, हम खा के देखे थे तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। इसमें जाएगा 1 गिलास में 2 स्पून ये जो ठंडाई पाउडर है वो,
आप डाल सकते हैं, और दो गिलास में चार स्पून, और ब्लेंड होने के बाद ये कुछ इस तरीके का लगेगा, आप देख सकते हैं। एंड यू कैन सर्व ठंडा ठंडा, और आप इसे ठंडा ही पी सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। सो गाइस, अभी शाम हो गई है एंड अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा छत पे कपड़ा वगैरह लाने, एंड देखते हैं मम्मी जी क्या कर रही हैं। वेट, क्या कर रही है मम्मी जी? ओह, चावल में से सब निकल गया। अच्छा, दोनों चावल अलग अलग है या सेम ही है? एक अलग अलग है ना, एक मोटा है थोड़ा सा, दोनों बासमती चावल है, दोनों बासमती चावल है। सारा नीचे जा रहा है। हाँ, वो तो मर ही जाना है। ये बांस वाला तो सूख गया, दूसरा ले आइएगा, याद ही नहीं रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा था। अभी नहीं लाइएगा, जब हमको लाना रहे, मतलब अति रहेगा ना फ्री, जब फ्री रहेंगे तब। देखिए ना, ये सुबह डाले थे पानी, फिर सब सूख गया, फिर डाल दे क्या? बहुत ज्यादा, मतलब लू चल रहा, गर्म वाला हवा है। आप कितना खाइएगा बाल? दो गो से ज्यादा। पापा जी और ये तो है नहीं, तो ना। दो गो आप, दो गो हम, बहुत है ना। चलिए पका देते हैं। अच्छा लगता है बाल ना ये? ये थोड़ा खिंचा खिंचा बाल जैसा है, मतलब ये खिंचा या कोनो बुढ़ा? हाँ, उतना भी नहीं। वो खली रहना तब गमड़ी वाला रहे। ये वो रहे से टाइट रहे। पापा जब छोड़ दो तुम लोग से टाइट रहे। देखिए कैसा टाइट। बहुत ज्यादा है क्या? सूखल जाए, फ्रिज में रखना पड़ेगा ना, चल जाता। अब ज्यादा बाल तो है नहीं, चार वो अभी तो खत्म ही हो जाएगा ना, रख दे वो ना ना थी। इसको मत ये कीजिएगा, इसको ना ना तोड़ वो, कोई बात नहीं, पकाने में अच्छा रहता है। ये तोड़ वो। अरे गर्मी कटा लग रही है हमको तो नहीं लग रहा है, गर्मी बहुत हमार गर्मी लग रही है, पता नहीं हवा लग रही है। कहाँ बस है, थोड़ा मोड़ा चल रहा है। लिपस्टिक थोड़ा कैसे फट गया? लिपस्टिक नहीं लगा रही है, ज्यादा लगा रही है इसलिए क्या? देखिए मेरी मम्मी जी को थोड़ा झुर्रिया तो आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, गाल थोड़ा नीचे लटक रहा है ये वाला। हाँ, सब देखा था, सब हाँ तो सब देखेगा नहीं। तो वैसी नहीं। तो आपका गाल फूला हुआ है, मेरी मम्मी का भी गाल फूला हुआ है ना, तो थोड़ा नीचे हो जाता है। एज में ना थोड़ा नीचे लटक ही जाता है स्किन। ये अच्छा है, ये अच्छा है ना, पूरा ठीक ही है। ये तो बहुत ज्यादा टाइट है, खा पाइएगा मम्मी जी? ज्यादा ना जलाइए, एकदम कम आंच पे हल्का हल्का पका देंगे, ठीक है? ज्यादा हुआ छी ना, तब अजीब सा लगता है, मतलब थोड़ा सा ये तो जाइए ना छील के, हम पका देंगे। ये सताई कॉल ये किचन पे दे सब चल के
ये तो अभी आ रही थी। सो एज यू कैन सी अभी जा रहे हैं हम लोग भुट्टा खाने, हम लोग जा रहे हैं अभी भुट्टा खाने, मम्मी जी और हम, और पापा जी ये सब नहीं है, वो सब गए हैं किसी के तिलक में, नहीं मम्मी जी, तो हम ही सास बहू है तो हम ही लोग खा रहे हैं। मामू के मेरा मामू के